हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हेयर टू टेलिंग यू अबाउट द कॉमन इंग्लिश फ्रेजेस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कुछ कॉमन इंग्लिश फ्रेजेस। कॉमन का मतलब क्या होता है? बहुत ही सामान्य, मतलब बहुत ही जनरल, जिसको जनरली लोग यूज़ करते हो। और फ्रेजेस क्या होते हैं? वाक्यांश, मतलब जिसमें पूरी क्रिया नहीं बताई जाती है। आप लोगों ने डूइंग वर्ड्स पढ़े थे ना, मीन्स उसमें पूरी क्रिया को नहीं बताया जाता कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं। छोटा सा एक वाक्य का अंश होता है जिसको बोलने पर ही वो वाक्य कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले व्हाट्सएप, आजकल चल रहा है व्हाट्सएप। तो जैसे कि ये जो फ्रेजेस है ना बेटा, 8 फ्रेजेस आजकल क्या है कि ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, मीन्स लोग इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा एक बहुत ही कॉमन फ्रेज है व्हाट्सएप। आपको जब भी किसी से पूछना हो हाउ आर यू, हाउ आर यू का मतलब क्या होता है कि आप कैसे हो, है ना? तो आपको हाउ आर यू की जगह व्हाट्सएप का यूज़ कर सकते हो। क्या बोल सकते हो? व्हाट्सएप, है ना? हाउ आर यू की जगह व्हाट्सएप। देन सेकेंड है हमारा नो प्रॉब्लम, मतलब नो बिगी, नो प्रॉब्लम। अब मैं आपसे बोलूँ डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, मैं बोलूँ आपसे डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो आप क्या बोलोगे? अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप यही तो बोलोगे मैम आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम या मैम नो प्रॉब्लम। तो आप क्या बोल सकते हो? नो बिगी, नो प्रॉब्लम की जगह नो बिगी। मैं बोलूँ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप क्या बोलोगे? नो बिगी, दैट मीन्स नो प्रॉब्लम। फिर थर्ड है कैचअप। आप लोगों की जब भी क्लास ओवर हो जाती है ना, तो मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि सी यू लेटर। मैंने आप लोगों को सिखाया भी था, तो सी यू लेटर। या फिर आप लोग जैसे जा रहे होते हो स्कूल से, जा रहे होते हो अपने या ट्यूशन से जा रहे होते हो, तो अपने फ्रेंड्स को क्या बोलते हैं? सी यू लेटर, सी यू टुमारो या फिर सी यू लेटर। तो आप सी यू लेटर की जगह कैचअप भी यूज़ कर सकते हो। क्या यूज़ करते हो? कैचअप लेटर, ठीक है। फोर्थ है हमारा इट्स ऑन मी, आई पे द बिल। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मान लीजिए आपकी किसी आपका एक जो ग्रुप है फ्रेंड्स का ग्रुप, वो पार्टी करने गया किसी रेस्टोरेंट में, ठीक है। आप जब रेस्टोरेंट में हम खाना खाते हैं तो लास्ट में हमें बिल पे करना होता है। तो बिल पे करने के टाइम पे क्या हुआ, किसी फ्रेंड ने बोला कि मैं बिल पे कर देता हूँ, तो दूसरे फ्रेंड ने बोला कि आई पे द बिल। मीन्स किसी ने बोला आई पे द बिल कि मैं बिल पे करूँगा या मैं बिल पे करूँगी। तो आई विल पे द बिल की जगह क्या हो सकता है? इट्स ऑन मी, वो क्या हो सकता है? इट्स ऑन मी, इट्स ऑन मी का मतलब जो बिल है वो मैं पे कर रही हूँ, ठीक है। फिफ्थ है हमारा इट बीट्स मी आई डोंट नो। अब जैसे मैंने आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछा, आई डोंट नो का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता। तो अब मैंने आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, जैसे मैंने आज आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था जीके में कि हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आप लोगों ने नहीं आंसर किया था। तो किसी ने बोला आई डोंट नो, आई डोंट नो की जगह क्या बोल सकते हैं आप? इट बीट्स मी, कौन सा फ्रेज यूज कर सकते हैं? इट बीट्स मी। सिक्स है हमारा नॉट अ बिट, आई एम नॉट टायर्ड। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था, मीन्स आपकी 2 रेसेस होने वाली हैं स्कूल में, ठीक है। तो फर्स्ट रेस जो लोग जीतेंगे वही फिर सेकंड रेस में, मतलब फर्स्ट में मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, फिर फर्स्ट रेस में जो 5 मिनट्स के अंदर रेस कंप्लीट कर लेगा, जो वहाँ तक फिनिशिंग पॉइंट तक पहुँच गया, वही सेकेंड रेस में जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट रेस कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों के पास आई, मैंने आप लोगों से बोला आर यू टायर्ड, क्या आप लोग थक गए हो? तो अगर आप लोगों को सेकंड रेस दौड़ने के लिए एकदम आप लोग एक्साइटेड हो ना, तो आप क्या बोलोगे मैम? नॉट अ बिट मैम, नॉट अ बिट मीन्स बिल्कुल भी नहीं, हम लोग बिल्कुल टायर्ड नहीं, आई एम नॉट टायर्ड, आई एम नॉट टायर्ड की जगह नॉट अ बिट। सेवेंथ है दैट्स लिट, दैट्स लिट दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग की जगह दैट्स लिट यूज करेंगे। दैट्स अमेजिंग का मतलब क्या होता है कि ये तो बहुत अद्भुत है। मैंने आपको बताया
कि जैसे ताजमहल है ना, ताजमहल को बहुत सारे फॉरनर्स क्या है बाहर से देखने आते हैं और उसको देखकर क्या बोलते हैं, दैट्स अमेजिंग, कि ये कितना अद्भुत है। तो दैट्स अमेजिंग की जगह क्या बोल सकते हैं, दैट्स लिट, कि ये कितना अमेजिंग है। फिर 8th नंबर पे चौप चौप, हरिया, हरिया की जगह हम चौप चौप यूज कर सकते हैं। हरिया का मतलब क्या होता है, जल्दी करना, ठीक है। मान लीजिए आपको बहुत तेज भूख लगी, आपने अपनी मम्मा से बोला कि मम्मा प्लीज़ मेरे लिए फूड प्रिपेयर कर दीजिए, है ना। अब उनको टाइम लग गया, आप बोल रहे हो मम्मा हरी अप हरी अप, आई एम हंग्री हरी अप, तो आप क्या बोलोगे, मम्मा चॉप 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 चॉप, आई एम वेटिंग फॉर द फूड, है ना। इस तरीके से आप बोल सकते हो। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन सेंटेंसेस की जगह पे इन फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आप बोलोगे तो एकदम कूल फीलिंग आएगी, मीन्स एकदम अलग लगेगा सुनने में। सो इस तरीके से ही आपको इन फ्रेजेस को यूज़ करना है अपने डेली लाइफ में। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।